मेथी दाने, प्याज सब कुछ दिख रही है ना ऐसा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और ये भी ठीक है और अनायसा भी ठीक है, अजान भी ठीक है, हम सब ठीक है आज। हाँ इसकी तबीयत खराब है, वो ठीक नहीं है बोलते। और अनायसा, अनायसा खड़ी हो। और अहरार जाने वाला है तो अहरार के जाने की तैयारी। तेरी तबीयत अच्छी नहीं लग रही? हाँ सब मरीज है, इसकी भी तबीयत अच्छी नहीं लग रही है। इसको तो बहुत समझते हैं, तबीयत ना तबीयत का सब समझता है इसको। और ये है हमारे लाडले साहब जी, तो इनके जाने की तैयारी करने का है। अल्लाह तो इसके जाने की तैयारी करना है। सलाम वालाम कौन करेगा? अस्सलामुअलैकुम। हाँ तो अहरार जाने वाला है तो इसके लिए चिवड़ा गुलाब जामुन लेके जाएगा। और क्या, और दूसरी चीज तो फिर मेरे से अकेले से नहीं हुआ रहता, तो इसलिए भाभी को बोली कि आकर के थोड़ा सा बनाने के लिए। तो भाभी किचन में बना रही है अभी गुलाब जामुन वगैरह। हाय हाय। यहाँ पर ये बन रहे हैं गुलाब जामुन का डो भिगा दिए भाभी ने। चितड़े का गुलाब जामुन का पैकेट था ना वो था, इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करी है और थोड़ा सा हल्का सा बेकिंग पाउडर ऐड करी इसने और इसको ऐसा भिगा के रख दी है। और यहाँ पर बन रही है चाशनी गुलाब जामुन की। तो यहाँ पर निकला ये एक जो था मग्गा, या अगर हम समझो एक ग्लास लेते हैं। तो यहाँ पर चाशनी रख दी है भाभी ने, तो इसमें ये वाला जो मग्गा था ना, इस भर पानी तो इसी भर शक्कर, यानी कि आप जो जिससे पानी लेंगे ना उतनी ही शक्कर लेकर के इसकी चाशनी बनाने की है यहाँ पर। और उधर में गुलाब जामुन का आटा गूंद के हो रहा है। और इस पानी में मैंने जस्ट एक इलायची डाली हूँ क्योंकि अहरार को इलायची का फ्लेवर ज्यादा पसंद नहीं है, इसलिए। भाभी वहां पर क्या गुलाब जामुन का आटा गूंद रही है, तब तक ये मुझे नहीं क्या चिवड़ा भी बनाने का है। अरे अनायसा आ रही है, पीछे पीछे कपड़े भी गिर रहे हैं। चिवड़ा बनाने का है ना, तो मैं चिवड़े के लिए क्या सबसे पहले कड़ी पत्ता तोड़ लेती हूँ। देखो यहाँ पर अनायसा खड़ी है, मैं पत्ता तोड़ दूंगी बोलती। कहाँ गया अभी यार, पत्ता बहुत सारा सूख गया अभी हमारे घर का, और चिवड़े में तो कड़ी पत्ता चाहिए होता है ना, तो जस्ट इसको ऐसा भूल ली थी अपनी जो ना। हमारा घर? हाँ हमारा घर है। क्यों? मैं पैर भर रहे कैसे कपड़े उठा रही। चलो 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 अंदर चलो। गेट कौन लगाएगा? गेट लगा दो। नहीं मैं। अर्जुन भी बैठे मैं बिल्ली हो सकता उसके वजह से हो रही है। ताजू बोला नहीं मैं आया हूँ तो मुझे रेसिंग में भगा भी रहो। तो यहाँ पर गुलाब जामुन के लिए पेड़े बना ली है इसने, चाशनी भी लगभग होते हुए आ गई है। इसमें नहीं क्या मैं ये दो से चार नहीं क्या केसर डाल दे रही हूँ। दो से चार नहीं अब ज़्यादा ही हो जाती केसर बोलो तो, ये थोड़ा सा डाल दे रही हूँ इसमें चाशनी में कलर के लिए। और यहाँ पर साइड में तेल रख दी हूँ गुलाब जामुन को फ्राई करने के लिए। तो ये देखिए तेल हो गया है, इसमें अब हम क्या करेंगे पेड़े ऐड कर देंगे। पहले मैंने थोड़ा सा डाल के देखी, अब ये सारे ऐड कर देंगे इसमें। लो फ्लेम है, एकदम फुल पे नहीं रखे इसको, लोअर फ्लेम पे रखे। कढ़ाई यूज मत कर। सारे गुलाब जामुन होते हुए आ रहे हैं, मतलब होते भी नहीं आए अभी, लो फ्लेम पे तो धीरे धीरे हो रहे हैं वो अपने। यहाँ पर आ गई डांस करने के लिए। कौन सा डांस कर रही हूँ नायसा? सैया ने देखा मुझको, मैं पानी पानी हो गई। सैया ने देखा ऐसे में पानी पानी हो गई। ये यहाँ पर हो रहे हैं गोल्डन ब्राउन हो गए हैं और इसको थोड़े से फ्राई कर लेने का है। गुलाब जामुन हो रही है यहाँ पर। यहाँ पर बन चुकी है चाशनी इसकी और ये बचे हुए हैं कुछ पेड़े। अब हो गए हैं गुलाब जामुन, इनको निकाल लेंगे एक प्लेट में, वही वाली प्लेट में निकाल रहे हैं जिसमें गुलाब जामुन बनाए हैं वो। सारे गुलाब जामुन जो हमारी चाशनी बन चुकी है करती है तो? हाँ कर ले। ये ऐसे चम्मच से बीच में होल कर दो थोड़े से, इसमें चाशनी अच्छी चले जाती है। अब दें इसमें डाल देने की हमको चाशनी में ऐसा, और चाशनी ना थोड़ी अच्छी होनी चाहिए वरना पानी पानी का टेस्ट आता है।
इसको भीगने देंगे हम अभी, और बाकी की इधर में फ्राई हो रहे बाद में वो इसमें ऐड कर देंगे। अनाया सभी आ रही, मैं ऊपर आ रही हूँ तो मैं भी आती हूँ करके आ रही है। देखो मुंह पे बिस्किट, हाथ में बिस्किट, हाँ देख कर कपड़े पकड़ेंगी कि बिस्किट पकड़ेंगी, गिर जाएंगी तो रुक। चलो हाथ दे, चलो चलो, कपड़े भी इतने लंबे लंबे है ना। हाँ होगा तो ना, हाँ, मैं थोड़ा सा अब तलना पड़ेगा ना उसको तलने के लिए। हाँ तो उसी में तल लेते पहले ये कड़े में, ये पोहा है यानी कि चिवड़ा बनाने के लिए जो पोहा होता वो पोहा है ये। यहाँ पर है ये मकई पोहा, इसको फ्राई करने का है। और ये प्याज है दो, यहाँ पर 6 से 7 हरी मिर्ची है। हाँ सामान ले ली हूँ, कड़ी पत्ता और यानी कि हरी प्याज और थोड़ा सा हरा लहसुन है। और ये फली दाने है। ये मकई पोहे को ऐसे तेल में डाल दिए, तेल में तल के ये वाले कच्चा डाले है, तेल में तलने के बाद में फ्राई हो जा रहे हैं ऐसी। ये झुकते जा रही है ना ऐसा। और यहाँ पर बन रहा है अभी चिवड़ा, चिवड़े की रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर कर रहे हैं। क्या तेल गरम हो गया था, ये फ्राई करके निकाल लिए। अब इसमें फली दाने डाल दिए है, और फली दाने में थोड़ा सा नमक ऐड कर रही है हल्का सा, हल्के से ब्राउन होना तो तब भी फली दाने को हमको निकाल लेने का है। तो ये बन हो चुके फ्राई, इसको निकालिए एक प्लेट में। अब वही तेल में डालेंगे, तेल ज्यादा तो नहीं जाएंगे, नहीं नहीं होने का जाएंगे। थोड़ा सा डाले इसमें धनिया खड़ा वाला, फिर साथ ही यहाँ पर डाल दे रहे हैं और जीरा, थोड़ी सी तिल्ली है और थोड़ी सी राई है। इन सबको हल्का ब्राउन होने देने का है। अब इसमें हरी प्याज, हरा क्या है, हरी प्याज और हरा लहसुन ऐड कर दिए है। आप चाहो तो सादा लहसुन जो रहता वो भी ले सकते हो। अब इसमें सारी प्याज ऐड कर देंगे, साथ ही हरी मिर्चें भी ऐड करेंगे। कड़ी पत्ता भी ऐड कर दिए इसमें और इसको अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें नमक भी ऐड कर दिए, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है। यहाँ पर हमें 1/2 चम्मच नमक डालेंगे। अब इसमें हल्दी डालेंगे आप, मतलब कम से कम 1.5 चम्मच। अब इसी में समार भी ऐड कर दिए ताकि समार भी अच्छे सा ब्राउन हो जाएगा, कड़क हो जाएगा, हाँ कड़क हो जाएगा, नरम नरम से थोड़ा नरम होता है। क्योंकि ये सारा मटेरियल अगर नहीं क्या कड़क नहीं होगा, मतलब अच्छा फ्राई नहीं होगा ना, तो चिवड़ा जो रहता है ना वो नरम हो जाता है। फाइनली चिवड़ा बनते हुए आ गया है, क्योंकि अब ये मसाले भुनने के बाद में नहीं क्या डायरेक्टली ये सारा पोहा भी ऐड कर देने का है और ये ऐड करने का है। तो वो कैसे ऐड करके देखते हैं। और ये हमारे महाराष्ट्र में ज़्यादा बनता है, मतलब चिवड़ा, चिवड़ा और क्या रहता है, चिवड़ा सेव जलेबी बूंदी, ये विदर्भ साइड में ज़्यादा चलते हैं। क्या हो गया, क्या लगा तेरे को, क्या लगा, मिर्ची लगी, कब खाली मिर्ची तूने, लाल मिर्ची डालूंगा, हाँ डाल दे थोड़ी सी लाल मिर्ची, हाँ 1 चम्मच होती, हाँ हाँ हो जाएगी, लाल मिर्च डाल दी इसमें 1 चम्मच। मसाला भून के हुआ, इसमें फली दाने भी ऐड कर दिए इसने, ताकि फली दाने भी अच्छे से नहीं क्या टेस्ट आ जाएगा फली दाने में भी इसका। और हो गया है अब ये अच्छा हो गया, नहीं ऊपर नहीं नीचे होगा, देगा नीचे में चल दे। अब इसमें सारा पोहा ऐड कर देंगे और इसे मिक्स भी करते जाएंगे इसको, इस तरीके से मिक्स करने का है, तभी पूरा मटेरियल ना इसमें अच्छा पूरा पीला दिखना चूड़ा। ये हो गया हमारे चूड़े का फाइनल लुक ऐसा, फली दाने प्याज सब कुछ दिख रही है ना ऐसा, ये ऐसा बन गया है चूड़ा। अरे डांस हो रहा है ना ऐसा का, डांस चालू हो रहा है इधर में, जब देखो तो इसको डांस ही दिखता है। भाभी ने मिक्स कर रही, हो गया भाभी का चूड़ा भी बन गया, गुलाब जामुन भी बन गया। अब अरे अब नहीं करते, ऐसा नहीं करते, दिखा दिखा उसको नाक दिखा रिया, ओ मेरी जान को नाक पे दिख रहा है।
और कहाँ लगा मेरी जान, मेरी जान को कहाँ लग गया। चप्पल पहन के घूम रही थी, चप्पल पहन के घूमेंगे तो लगेगा कि नहीं लगेगा, स्टाइल से पैर फिसलेगा कि नहीं। आ तो आईडी मेरे से बनी, मैं ऐसे के लिए बना रही हूं। हम लोग खा रहे हैं मटर फली और यहाँ पर पूरे पड़े हैं सामान हमारे। हम लोगों का खाना हो गया, सिर्फ अहरार रह गया क्योंकि हम लोग जल्दी खाना खा के उठ गए। देखो ये अहरार खा रहे हैं। तो ये है बिरयानी, जेबा लेकर के आई थी वो बिरयानी है। और हम लोगों ने बनाए थे, क्या बनाए थे वो नायसा, अंडा भाजी ना। और अनायसा क्या पी रही है, ये दाल पी रही है अनायसा, अनायसा दाल पी रही है। और अहरा दाल से बिरयानी खा रहा। हमारा खाना हो चुका है और भाभी घर बात कर रही है अभी। हम लोग हाँ हाँ क्या देखो, हाँ हाँ पूरा ले रहे हैं। अरू भाई को देखो बोलते हैं, यहाँ पर पूरा ले रहे हैं। और अब हम बर्तन वगैरह धोते हैं। क्या लगा, तेज लगा? अच्छा बर्तन धो रही है यहाँ पर ये। और अहरार का भी खाना हो चुका है। और ये यहाँ पर ये लोग सो रहा है ना। ऐसे क्या कर रही, अल्लाह पानी गिरा इसने, कितने कपड़े गीले करिए अपने, आ? कितने कपड़े गीले करिए, पूरा पानी वहां का गिरा दी। चिड़िया ने पानी गिराई कि आपने पानी गिराए, कितनी मासूम बन के खड़ी है देखो, चिड़िया ने पानी गिराई बोलती। हाँ क्या नहीं रखी थी, अच्छा तूने रखी थी रिमोट। हाँ। अच्छा तो खाना वगैरह सब कुछ हो गया हमारा। और अब बस आज के व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। और अहरार आपको एक बार और व्लॉग में नजर आएगा, फिर नहीं आएगा है ना नजर, फिर सीधा जब छुट्टियों में आएगा तब नजर आएगा है ना। हाँ ठीक है, अल्लाह हाफिज बोल लो, बोलोगे तब ना। वालेकुम अस्सलाम, ठीक है, अल्लाह हाफिज, अल्लाह।